स्वागत है दोस्तों आपका वीडियोस वर्क चैनल में। और फिर एक बार एक नई वीडियो लेके आए हैं हम ई टैब्स की। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिल जाएगी इजीली। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप सब्सक्राइब करें तो यहाँ पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जो आपकी बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा, आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के ई टैब ट्यूटोरियल्स में। देखिए मेरे पास एक प्लान है। अभी तक ई टैब्स में हम केवल टूल्स एंड मॉडलिंग ही सीख रहे हैं। अभी कुछ और वीडियोस आएंगी, उसके बाद हम डिज़ाइन एनालिसिस पे जाएंगे, टेक्निकल पार्ट में हम तब जाएंगे। अभी केवल हम मॉडलिंग और ई टैब्स के जो टूल्स हैं उनको सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक प्लान दिया हुआ है, 7 स्टोरी है ये, नंबर ऑफ फ्लोर्स 7। नंबर ऑफ फ्लोर 7 से बी में कॉलम का साइज दिया हुआ है, एक सर्कुलर कॉलम भी है यहाँ पे देखिए, और इसमें स्लैब की थिकनेस भी दी हुई है। इस मॉडलिंग में आप देखिए एक चीज़ नहीं है, इसमें सर्कुलर एलिमेंट्स भी हैं और सर्कुलर स्लैब भी है। तो इसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें भी एक ग्रिड है, जिसमें एक लाइन ये है आपकी ग्रिड की, और एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। उसी तरह आपकी ग्रिड की एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। उसी तरह हम इस तरह की एक ग्रिड बना लेंगे। तो हमारी ग्रिड इसमें क्या है, 9, 7 और 6, और हमारी एक्स डायरेक्शन में ग्रिड क्या है, 8, 5, एंड इसका जो रेडियस है इसकी 2.5 है, तो 8, 7, 5, एक आपका यहाँ पर भी बनेगा, तो ये 2.5। तो स्टार्ट करते हैं। न्यू मॉडल, यूनिट मैट्रिक, ग्रिड। जैसे कि आप देख रहे हो उसमें जो हमारी ग्रिड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, 8, 7, 6 इन वाई डायरेक्शन और 8, 5, 2.5 इन एक्स डायरेक्शन। तो हमें कस्टम ग्रिड चाहिए होगी, तो कस्टम ग्रिड एक्स डायरेक्शन में कितना है हमारा, 8, 5, 2.5। तो 8 हम ये ले लेते हैं डिस्प्ले ग्रिड डाटा स्पेस, में डायरेक्ट स्पेसिंग डालनी पड़ेगी हमें, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 8, 5 एंड 2.5 एंड लास्ट 0। इन वाई डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं, 8, 7, 6, 8, 7, 6। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे बबल्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो थोड़ा साइज कम कर लेते हैं और इसका हम चेंज कर लेते हैं कलर, थोड़ा सा साइज और छोटा करते हैं बबल का। ओके नाउ ओके, एंड स्टोरी हमारे 7 है और सभी का ईच फ्लोर 3 मीटर के हैं, तो ओके यहाँ पे ओके। देखिए हमारी प्लान ग्रिड है और ये हमारा 3D ग्रिड है। अब स्टार्ट करते हैं हम मटेरियल से। तो प्रॉब्लम में मटेरियल गिवन नहीं है, तो अभी हम ऐसे ही एक मटेरियल डिफाइन कर लेते हैं, कंक्रीट इंडियन स्टील की जगह पर कंक्रीट M25 ले लेते हैं। ओके करते ही M25 का डाटा आ जाएगा, हमें कोई चेंज नहीं करना, तो M25 करना हमें, और ओके करेंगे तो लिस्ट में M25 आ जाएगा, देन ओके। नाउ डिफाइन कॉलम एंड बीम एंड स्लैब। तो एड न्यू, गो टू दी डिफाइन पे गए, उसके बाद हमने किया फ्रेम, देन इसमें कि हमने ऐड न्यू, रेक्टेंगुलर हमारा बीम है,
बीम का साइज है हमारा 300, बीम 300 इंटू 500, और हमारा जो मटेरियल M25, और डेप्थ है हमारी 350 और 300, सॉरी डेप्थ हमारी 500। पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सारे टूल्स जब डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस करेंगे तब हम इसको काम करेंगे टूल्स पे। ओके, ये आपका बीम आ गया है। कॉलम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 400 बाय 400। अगेन हमने एक और एड न्यू प्रॉपर्टी की, रेक्टेंगुलर। कॉलम टाइटल डाला 400 बाय 400, मटेरियल M25, यहाँ पे हमने डायमेंशन डाल दी 400 बाय 400। ओके, यहाँ पे देखिए कॉलम भी आ गया। अब हमें डिफाइन करनी है एक स्लैब, तो हमने ओके किया। स्लैब की थिकनेस 200 mm है, तो डिफाइन सेक्शन स्लैब और ऐड न्यू स्लैब। स्लैब का टाइटल डाल देते हैं स्लैब 200, और उसकी कंक्रीट लेते हैं M25, थिकनेस 200। अब देखिए एक चीज़ और इसमें समझने वाली है, शेल। जब हम स्लैब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे आता है मॉडलिंग टाइप, शेल, थिन, थिक, मेम्ब्रेन्स और लेयर्ड। देखिए जब जो आपकी लगभग 90 mm और 100 mm तक की जो स्लैब होती है, थिन में आती है, उससे ऊपर वाली स्लैब थिक में आती है। अगर आप मेम्ब्रेन्स लेते हैं तो क्या इफेक्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सेल्स में और मेम्ब्रेन्स में? ज़्यादातर हम मेम्ब्रेन्स ही लेते हैं। मेम्ब्रेन्स में क्या होगा, जो लोड आपका स्लैब के ऊपर आएगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा कॉलम एंड बीम पे, टोटल लोड। बट अगर आप सेल्स लेते हैं तो थोड़ा लोड वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए मेम्ब्रेन्स लेते हैं हमेशा, जिससे टोटल लोड कॉलम बीम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड ओके, ये स्लैब भी हमारी डिफाइन हो गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ऑल स्टोरे, और हम बीम ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। हमारे बीम ये चार बीम हैं, ड्रैग करके हमने सेलेक्ट किया, और हमारे ये चार बीम हैं, और ये चार बीम भी हमारे हैं, और एक बीम हमारा ये है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने बीम ड्रॉ कर लिए। अब कॉलम, हमारा कॉलम कहाँ कहाँ है? ओके, हमारा कॉलम है, कॉलम सॉरी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कॉलम। अब यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, कॉलम है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और आपका कॉलम यहाँ और यहाँ और यहाँ। देखिए हमने बीम बना दिए, कॉलम बना दिया उसी शेप में, उसी जगह पर जहाँ पर इस ड्राइंग में, लेकिन हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। पहली गलती, जब हमने बीम ड्रॉ किए तो हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं की थी यहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं, अब क्या हो। सेकंड, देखिए अगर हम बीम पे डबल क्लिक भी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं सॉरी, तो यहाँ पे बीम का नाम आ रहा है ISL, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम B600, जबकि हमने बीम अप्लाई किया था 300 इंटू 500। ओके, सेकंड हम एक चीज़ भूल गए हैं इसमें कि यहाँ पे हमारा सर्कुलर कॉलम है और हमें डिफाइन भी नहीं किया। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं सर्कुलर कॉलम, डाया कितना है 500, तो SIR 500, M25 और 500 डाया। ओके, लिस्ट में आ गया है। ओके, हमने क्या किया, इसको ड्रैग किया और डिलीट किया कीबोर्ड से, और हमने कॉलम यहाँ पे लिया, प्रॉपर्टी यहाँ पे ली सर्कुलर, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब आई बीम की बात। देखिए इसमें एक टूल है सेलेक्ट, कुछ भी सेलेक्ट करना हो किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं इसमें। इसमें हम अगली एक नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे डिटेल में, सेलेक्ट के सारे ऑप्शन को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बस हम एक ऑप्शन देखते हैं कि हम सेलेक्ट करने सारे बीम। तो मैंने सेलेक्ट किए, सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिस्ट आ गई क्या सेलेक्ट करना है, मैंने बीम किया और सेलेक्ट क्लिक किया। ओके, सारे बीम सेलेक्ट हो गए। मैं असाइन पर जाता हूँ, असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी। हमने जो मिस की है बीम की सेक्शन प्रॉपर्टी मिस की है, तो हमने सेक्शन प्रॉपर्टी असाइन की, और कौन सी करनी है हमें, बीम 300 बाय 500। ओके कर दिया, अब देखिए सारी प्रॉपर्टी इनको मिल गई। ओके, नेक्स्ट था हमारा स्लैब। स्लैब बनाने से पहले हम बनाएंगे ये आपका सर्कुलर एलिमेंट। तो सर्कुलर एलिमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप जाएंगे एडिट,
और एडिट में है एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड है आपका फ्रेम टू सेल्स। ओके, सबसे पहले आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एडिट में जाएंगे, एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स, यानी कि जो फ्रेम, फ्रेम का मतलब बीम एंड कॉलम। तो यहाँ पे जब हमने ड्रैग किया है यहाँ पे, तो क्या सिलेक्ट हो गया है, कॉलम। तो अब कॉलम से हमारी सेल्स बननी स्टार्ट होंगी और इस कॉलम पे हमारी फिनिश हो जाएंगी। इसका मतलब ये एक्सट्रूड फ्रेम्स टू सेल, यानी कि फ्रेम से एक्सट्रूड होके सेल्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अब ये हमारी रेडियल है, सर्कुलर सेल्स बननी है। तो इसमें दो ऑप्शन है, लीनियर और रेडियल, बाद में लीनियर में जाएंगे, अभी रेडियल पर आते हैं। अब रेडियल पूछ रहा है कि सबसे पहले उस सर्कुलर शेप का सेंटर, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसका पूरा सर्कुलर बनाएं तो सेंटर क्या है हमारा, ये क्या है हमारा सेंटर। तो सेंटर हमारा ओरिजिन है, तो 0 0 है, वरना हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, 0 0 सेंटर। ओके, सेक्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी, देखिए एंगल का मतलब क्या है। एंगल का मतलब है कि जो कॉलम हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया था, ये वाला कॉलम, वहाँ से एक सेल, फर्स्ट सेल जो निकलेगी वो किस एंगल पर टिल्ट होगी, फिर सेकेंड सेल निकलेगी वो किस एंगल पर टिल्ट होगी, क्योंकि वो टिल्ट होगी जब भी हमारी सर्कुलर शेप बनेगी, है ना। तो जनरली हम इसमें डालते हैं 5 डिग्री। ओके, अब ये कितना एंगल बना रही है, 90, और हर एक 5 डिग्री पे है, तो कितने सेल्स चाहिए हमें, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। देखो ये टाइप की एक खास बात है, आप कैलकुलेशन इसी सेल्स में कर सकते हैं। 18, ड्रॉप को हम बाद में बात करेंगे, अब हम ओके पे केवल कर्सर ले आते हैं। देखिए आप यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने ओके किया, थोड़ी देर रुकना है, अगर कहीं क्लिक करोगे तो हैंग हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और अभी केवल इस प्लान की बात कर रहे हैं, बाद में हम इस टूल्स की एक एक चीज़, जैसे इसमें डिलीट सोर्स दिया हुआ है, लीनियर एक्सटेंशन दिया हुआ है, सब चीज़ें क्या हैं वो डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी सर्कुलर शेप बन चुकी है, अब हम यहाँ पे बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट किया, सेम हम चीज़ हम वहाँ पे गए, एडिट, एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल। अब यहाँ पे इसका सेंटर क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो सर्कुलर चीज़ ये ऐसे बनेगी कंप्लीट, तो सेंटर तो इसका ये हो गया ना, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा एक्स डायरेक्शन में, 8 + 5 = 13। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 8 + 3.5 = 7.5, तो कितना हो गया, 11.5। तो x हो गया 13 और y हो गया 11.5, इसका सेंटर x 13 और 11.5 y। ओके, अब सेम वही है, इसमें एंगल कितना बन रहा है आपका, 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 / 5, और जब ओके पे जाएंगे आपका ये बन जाएगा। थोड़ी देर रुकना है, अगर आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो ये रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेल्स डेवलप होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हो एक सेल ये है, ये 5 डिग्री पे रोटेट हुई, इसी तरह से 90 का एंगल बनाया इसने, ये हमारी बन गई। उसके बाद अब देखिए हमें बनाना है ये चीज, देखिए इसका डायमीटर मैंने प्रॉब्लम में दिया, इसका डायमीटर है 2.5 मीटर, इसका रेडियस ये कितनी है आपकी, 2.5। अब ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ कॉलम बनाना होगा, कॉलम से एक्सट्रूड हो रही है सेल्स, ठीक है, कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे एक जॉइंट चाहिए हमें, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम गए ड्रॉ में, हमने किया यहाँ पे होगा आपका एक ड्रॉ जॉइंट, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर हम ले गए यहाँ पे और 2.5 पे हमने क्लिक कर दिया। ये 2.5 यहाँ क्लिक करते एक जॉइंट बन गया, फिर हमने इस जॉइंट पर एक कॉलम ड्रॉ करना है। कॉलम ड्रॉ करने के बाद कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया,
अगेन हम गए एक्सट्रूड फ्रेम टू सेल्स। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है आपका 270 का एंगल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 5। ओके, और सेंटर क्या होगा, पिक करके ये होगा उसका सेंटर। अब देखिए माउस ले आता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप कोई और भी वीडियो चाहते हो, आपने बीटेक के प्रोजेक्ट, एमटेक के प्रोजेक्ट, पीएचडी थीसिस किसी में आपकी हेल्प, अगर आप हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सेल्स हमारी ज़्यादा है इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। ये डन हो गया, ओके, ये देखिए हमारे बन चुके। अब आते हैं हमारी स्लैब की बारी। देखिए यहाँ पे एक अभी कॉलम बना हुआ है, कॉलम की तो जरूरत हमें थी नहीं, तो हम यूँ सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं कॉलम को। अब देखिए स्लैब हमारे, हम पास तीन स्लैब है, 1, 2, 3। ये वाली जो स्लैब है अगर मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी आई, हमने वही स्लैब 200 सेलेक्ट की और यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। इससे क्या होता है, हमें हर जॉइंट पर क्लिक करना पड़ता, चार जॉइंट चाहिए होते हैं, और इससे क्या होता है नंबर ऑफ जॉइंट ज़्यादा। तो हम फर्स्ट स्लैब लेंगे, 200 हमारी सिलेक्ट है, और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, इसको 3D को क्लोज कर देते हैं और देखिए यहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं। हम जॉइंट्स बाय जॉइंट प्रिसाइजली क्लिक करते जाते हैं और आपकी स्लैब बनती जाएगी। आपको बस माउस पास ले आना है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है जॉइंट्स को। ये देखिए अब हमने इस कॉर्नर वाले जॉइंट को क्लिक करते हैं और वापस रिटर्न करते हैं। ये देखिए हमारी यहाँ पे बन चुकी है स्लैब। 3D को एक्टिवेट कर लेते हैं। सेम आपको ये बना, इस तरह से यहाँ पे बनानी है स्लैब। अगर हमें शो करने हैं इन सबका सेक्शन तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और फ्रेम सेक्शंस, एक इमेज ले लेते हैं इसको यूट्यूब में थंबनेल लगाने पे के लिए। ओके, तो ये हमारी बन चुकी है। अगर इसको रेंडर में 3D व्यू में आपको देखना है तो मैंने 3D विंडो पे क्लिक किया, फिर व्यू एंड रेंडर व्यू। देखिए इस तरह की हमारी बिल्डिंग बन गई है। ये जो एरिया है हमारा सर्कुलर स्टेयर का, आगे जाकर सर्कुलर स्टेयर भी बनाना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में केवल हमने मॉडलिंग बनानी सीखी है, और कुछ और वीडियो में केवल हम मॉडलिंग बनाना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है एक मॉडल बनाना, उसके बाद लोड, डिज़ाइन, पैटर्न्स, लोड केस, बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन करने होते हैं एनालाइज और डिज़ाइन के लिए। बट हम पहले सही से मॉडलिंग बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये है वीडियोज़ वर्ल्ड, इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक और उसके बाद प्रोजेक्ट्स करेंगे सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पर। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।